लेव नहो निरंकारी है। सिख संत बालक श्री गुरप्रतपालक हुए, जीवन मुक्त गत ब्रह्म विचारी है। सतगुरु अर्जन देव जी कहिंदे आसा महला पंजवां सूख सहज आनंद गणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह नवारे सतगुरु दे अपना नाओ, सगन अपसगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने सगन अपसगन उन्हां लोकां लई जे बाणी नहीं पढ़दे, पाठ नहीं करदे। इस करके प्राणियां जिहड़ियां रवायतां ओ साडे ते लागू नहीं हुंदियां। एक गल याद रखो, जिहड़ा सिख पंज बाणियां शुद्ध ढंग नाल पढ़ गया, सुखमनी साहब आसा दी वार रह रास कीर्तन सोला चौपी साहब दे पाठ बाणी जिन्नी भी पढ़दा है, ओहदे अगे तां सारे ग्रह भी मत्था टेकदे ने, क्योंकि बाणी पढ़न वाले नूं सारी नमस्कार करदे ने, क्योंकि ग्रह बनाए किहने ने, सतगुरु जी ने। यह पहला असीं वी नहीं सी मानदे, पर जद सतगुरु ने शब्द जी मैं कथा लड़ी वार कीती सूख सहज आमद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह नवारे सतगुरु दे अपना नाम है, ग्रहां दी निवृत्ति कीती। सतगुरु जी कहते जे नाम जपी जाओगे ग्रह थोड़ा मत्था टेकणगे, आके सगल दूत मेरी सेवा लाए। इस करके जिहड़ा ब्याहां तो पहला होर कारजां तो पहला श्री सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहब आपां कराउंदे आ, इहदे नाल सारे प्रकार की जिहड़ी निवृत्ति आ हो जांदी है। इस करके भी साधु संत महात्मा कोल असीं बैठदे आ, चीजां सुणदे आ, फिर सानूं भी एक तसल्ली जी हुंदी। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले कोले कोई बंदा कहिंदा असीं दिल्ली जाणा, आ अपलाई करना पासपोर्ट ऐ करना वीजा, भी वह पिंड वाले अपनिया छड़ दिंदे आ गए, कहिंदे बाबा जी वह पंडित कहिंदा पंचकां हले ना करियो। बाबा जी हस पे, कहिंदे भाई पंज जपजी साहब करके अरदास करके प्रसाद बना के जाओ, जब पंज जपजी साहब होवे भाई पंचकां खत्म हो गई, बस प्रभाव ही मुक जाता हरेक चीज का। हुण गल ते भी साडे जिन्नी संगत है जपजी साहब तो इन्हां नूं कंठ नहीं हैगा, उही कही जाणगे सिख नूं कोई असर नहीं किसे गल का। जपजी साहब दे पाठ जाप साहब दे पाठ अज भी मैं एक होर भी फोन आया, कहिंदे सी जाप साहब भी बहुत करदे आ, भी इन्ने जाप साहब दे पाठ कीते ने भी पता लग गया भी वाकई इन्नी ताकत है। सो इस करके है कि जिहड़ा सिख बाणी पढ़दा है ऐन टका के ढंग दे नाल श्रवण करदा है, महाराज जी कहिंदे ने पौन जप तप जेते सब उपर नाम, सारिया चीजा तो उत्ते नाम है, जिन्होंने नाम जपया बस तुसी जाप साहब ही करी जाओ, बस गल मुकती मुका दो, पंज बाणियां करके पंज जाप साहब दस ग्यारह पच्ची जाप साहब रोज कर दो, तुसी खुद ही कहोगे आके दो तीन महीनिया छे महीनिया बाद भाई कोई हिड़का नहीं है किसी काम च, सारे राह ही साफ होंगे तुरे जाते हैं, इतनी ताकत है जाप साहब दे विच। आ ग्रह गुरु जे कीता हाड़े कढ़दे फिरदे हुंदे आ, इस करके जां फिर अवस्था बनाओ। जद बैखरी बाणी मध्यमा पसंती परा पार करके जां त्रिकुटी तो पार हुंदे आ, त्रिकुटी पार हुंदियां सारी सारे ब्रह्मण दियां शक्तियां मूहरे आके डिग पैंदियां, भई सानू माफ कर दे हुण असीं इत्थे तक ही सी, हुण गाहां तुहाडे नाल नहीं जा सकदे, इस करके सारे जाने आके माफिया मंगते हैं। यह गल बिल्कुल प्रतक्ष है और सही है और प्रैक्टिकली दस रहे हैं सारे।